अफगानिस्तान में हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी आतंकवादियों का हमला तेज हो गया है और इस तरह तालिबान ने 2/3 अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया। तालिबान ने पिछले 6 दिनों में 8वीं प्रांतीय राजधानी पर भी कब्जा कर लिया है और अब तालिबान राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहा है। तालिबान ने पिछले 24 घंटों में बगलान प्रांत की राजधानी पुल एक कुमारी पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया। यह स्थान काबुल से 225 किलोमीटर दूर है। अफगान सरकार के लिए चिंता का विषय है क्योंकि इस शहर पर कब्जे के बाद काबुल जाने वाले राजमार्गों को तालिबान ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। इधर रूस की मीडिया ने दावा किया है कि तालिबान ने तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की लगी सीमाओं के क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कर लिया और इस समय 11 प्रांतीय राजधानियों पर अफगान सेना और तालिबान आतंकवादियों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। हवाई हमले में 10 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। वहीं कंधार से 30,000 परिवारों का पलायन हो गया है। NNI के अनुसार अफगानिस्तान के कार्यवाहक वित्त मंत्री खालिद पायंदा ने अपने पद से इस्तीफा देकर अफगानिस्तान ही छोड़ दिया। स्थानीय मीडिया ने कहा है कि पायंदा अफगानिस्तान वापस नहीं आएंगे। वहीं अफगानिस्तान को मदद के रूप में भेजा गया एक भारतीय हेलीकॉप्टर MI-24 पर भी तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। भारत के लिए चिंता का विषय है। इस बीच दोहा में होने वाली बैठक में शिरकत लेने के बावजूद भारत का यह मानना है कि दोहा या किसी भी जगह किसी बैठक का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक तालिबान के हिंसक आक्रमण को रोकने के लिए कोई निर्णायक फैसला ना हो। दोहा में अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान के बीच पिछले 2 दिनों से वार्ता हो रही है। वहीं अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाए जाने के फैसले के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि सेना को वापस बुलाए जाने का उन्हें जरा भी पछतावा नहीं। उन्होंने कहा कि अफगान सेना को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।